गुड मॉर्निंग ऑल गाइस, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस क्या है, मूवमेंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वो हम आज आप उसके बारे में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में समझाएंगे। मूवमेंट एनालिसिस आपका थ्री टाइप्स हो सकता है, जैसे आइटम वाइज, आपका स्टॉक ग्रुप वाइज और आपका पार्टी वाइज। इन तीनों अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मतलब कि ये वर्गीकरण आप तुलना कर सकते हो, या वर्गीकरण बोल सकता हूं मैं कि एनालाइज करना। एनालाइज किस टाइप से किया जाता है, एनालाइज जैसे कि एग्जांपल फॉर इट्स कि मैंने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितने प्रॉफिट पर बेचा, कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है, तो ये सारी चीजें मूवमेंट एनालाइज के कहा जाएगा इनको। और वो आप जब उसको चेक करेंगे लेजर एनालाइज पर जाकर, तो आपको स्टॉक वाइज भी चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं, और पार्टी यानी जो पार्टी आपने बनाई है एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड, उस पार्टी को भी डालकर आप अपनी एनालाइज को चेक कर सकते हैं। तो आज ये इससे ये प्रॉफिट है कि आपको एक एक आइटम के बारे में, एक एक व्यक्ति ग्रुप के बारे में, एक पार्टी के बारे में, आप एक एक चीज को आपको पता लग सकता है कि किस पार्टी से हमें कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना बैलेंस है, या कितना को हमारे पास माल पड़ा हुआ है। तो इन चीजों को हम एक्सप्लेन और बढ़िया तरीके से लेकर आपके थ्योरी के रूप में आपके बीच में आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मूवमेंट एनालाइज़, पार्टी वाइज, आइटम वाइज और स्टॉक ग्रुप वाइज। आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि टैली आरपी 9 ऑफर यू येट अनदर इंपोर्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स कॉल्ड मूवमेंट एनालाइज। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के यंत्र, जो उसके काम होते हैं अकाउंट से संबंधित, इन्वेंट्री से संबंधित, उन सभी को आप मूवमेंट एनालाइज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मतलब कि इन्वेंट्री से संबंधित जितने भी टूल्स, उन चीजों को आप मूवमेंट एनालाइज का नाम दे सकते हैं। विद दिस रिपोर्ट्स यू कैन एनालाइज मूवमेंट पैटर्न ऑफ मटेरियल आइदर पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज और आइटम वाइज, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप एनालाइज कैसे करोगे। एक मूवमेंट पैटर्न होता है, मूवमेंट किसी टाइप का हो मैं पैटर्न, आप उसको पार्टी वाइज और ग्रुप वाइज और आइटम वाइज आप उसको वर्गीकरण, आप उससे किसी भी चीज की तुलना कर सकते, कितना परचेज आया, कितना सेल किया, कितना आपके पास माल बचा हुआ है, कितना किस प्रॉफिट पे बेचा, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। यूजिंग दिस रिपोर्ट यू कैन एनालाइज द प्राइस विद विच इज सप्लायर हैज सप्लाइड ए पर्टिकुलर आइटम। सप्लायर जो सप्लाई करता है, जो माल देता है या माल फिर रिसीव करता है, तो उनकी सारी डिटेल, कितने में उसने माल खरीद लिया, कितने में बेचा, कितने के, तो वो सप्लायर व सप्लाइड दोनों के आपके बीच में आपकी उनकी डिटेल देने में सक्षम है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर आइटम जब आप इसको तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने एक परचेज की ट्रांजेक्शन कीजिए F9 पर, कोई भी पार्टी का नाम बना लीजिए। तो सबसे पहले हम लेजर पे जाके परचेज का लेजर बना लिया, और किसी पार्टी का नाम मैं एक का लेके चलता हूँ, मान लो मैंने अनिल बना लिया, तो सिंडिकेट एडिटर्स हो गया लेजर में, और मैंने कोई भी दो आइटम सेलेक्ट कर लिए सुगर और राइस, उनका हमने सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स के जी के अंदर बनाना किलोग्राम पे तैयार कर दिया, फिर उसका आइटम तैयार कर दी, और जब लेंगे हम उसका आइटम करके हम उसका परचेज लेंगे। अगर परचेज लेते हैं तो मान के चलो मैंने एग्जाम्पल 16 तारीख में परचेज की,
और मान के चलो मैंने 16 दो में परचेज किया और सेल में 26 दो में करता हूं, तो हम परचेज के बाद पहले परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर हम सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे एफ एट पे। तो हमने कोई भी पार्टी ले लिया या वो ही ले ले, तो हमने अगर किसी अदर से लेते हैं जैसे विकास ले लिया तो सेल्स करते हैं, तो विकास आपका देनदार हो गया, सनी डेटर्स, और इस सेल्स का लेजर तैयार हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर जब आपका हम परचेज और सेल कर देंगे तो उसको हम कैसे देखेंगे वो हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मूवमेंट एनालिसिस ऑफ ए स्टॉक ग्रुप। अभी मैंने आपको जैसे सीधा आइटम पे लेके गया, स्टॉक ग्रुप शोज द टोटल इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट। ये टोटल इनवर्ड आउटवर्ड्स क्या है, जैसे कि आपका एनालाइज में ये शो करेगा कि आपने कितने का परचेज किया, परचेज की आपकी कितनी ट्रांजेक्शन है। जब आप लेजर एनालाइज में चेक करेंगे तो आपको उसमें टोटल ये भी बताएगा कि आपने परचेज की कितनी ट्रांजेक्शन है और सेल्स की कितनी ट्रांजेक्शन है। तो वो इसके अंदर है कि स्टॉक ग्रुप शोज द टोटल इनवर्ड्स, मतलब कितने की परचेज किया, एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स कितना आपने बेचा, ओ आपका स्टॉक आइटम विद इफेक्टिव रेट्स वैल्यूज द पर्टिकुलर ग्रुप। तो उसके अंदर आपको रेट भी शो करेगा जो इनवर्ड आउटवर्ड्स में किस रेट पर आपने उसको बेचा, उसकी वैल्यू क्या थी और किस ग्रुप के अंतर्गत था। तो आपको एक एक चीज का डाटा मूवमेंट एनालिसिस के अंदर होगा। अब हम चलते हैं द मूवमेंट्स एनालिसिस ए पार्टी शोज द इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक आइटम विद इफेक्टिव रेट्स एंड वैल्यू। जो इसकी रेट होती है इफेक्टिव, जो उसको प्रभाव डालती है, इफेक्टिव रेट एंड वैल्यू को भी आपको शो करता है। सिलेक्ट एंड आइटम ड्रिल डाउन फर्दर। अभी मैंने जैसे आपको समझाया, जैसे मैंने सुगर राइस लेके चला तो हम सुगर राइस को उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके हम देखते हैं कि हमने उसका कितनी माल का परचेज किया, कितनी माल सेल किया, तो उसके बारे में है, उसके बारे में हम डिटेल देख सकते हैं। अगर मैं शुगर का जाऊं तो शुगर का देख सकता हूं, अगर राइस का चाहूं तो मैं राइस का देख सकता हूं, तो कितना परचेज किया कितना सेल किया वो मैं आइटम वाइज सेलेक्ट एन आइटम टू ड्रिल डाउन फर्दर। टैली आरपी 9 डिस्प्लेस ट्रांजेक्शन विद डिटेल अलोंग विद सेपरेट कॉलम फॉर एडिशनल कॉस्ट। तो आप इसके अंदर अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है उसको और आप उसकी पूरी डिटेल्स, कितने में खरीदा, क्या क्वांटिटी, क्या रेट है, क्या वैल्यू है, क्या प्रॉफिट में बेचा है, क्या डिस्काउंट दिया, मतलब हर चीज आप उसके बारे में आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। अब ये आता है एडिशनल कॉस्ट। अब मेन ये चीज आती है कि आपने ये सारी चीज कर ली, आपने परचेज की ट्रांजेक्शन भी कर दी, सेल्स भी ट्रांजेक्शन कर दी, अब इसको देखेंगे कैसे, देखने के लिए क्या करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली जो मेन गेट है, मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ गेटवे ऑफ टैली एक मेन द्वार होता है, जैसे घर का एक मेन द्वार। तो गेटवे ऑफ टैली पे गए, आप गो टू गेटवे ऑफ टैली, तो उसके अंदर सारे जो ऑप्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, गेटवे ऑफ टैली, फिर आप डिस्प्ले में जाएंगे, फिर आप डिस्प्ले के बाद इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, फिर मूवमेंट एनालिसिस में जाएंगे और उसके बाद आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, इन्वेंटरी बुक्स पे गए, मूवमेंट एनालिसिस पे गए और आप स्टॉक आइटम्स पे गए, स्टॉक एनालिसिस, ये आपका स्टेप है। और अगर अब मैं आपको इसके एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आपका DIML, क्या है DIML, डी मीन्स डिस्प्ले, आई मीन्स इन्वेंटरी बुक्स, एम फॉर मूवमेंट एनालिसिस और एल फॉर लेजर एनालिसिस। तो DIML एक शॉर्टकट की है इसकी, जिससे आप सीधा लेजर की पर आसानी पूर्वक इस पर जा सकते हैं। तो अब आपका ये चला कि इसके अंदर फिर आप सेलेक्ट द रिक्वायर्ड आइटम्स, कोई भी स्टॉक आइटम्स जो आपने लिया है, जैसे मैंने कहा आप शुगर राइस कीजिए एंड प्रेस एंटर और आप उस पर एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के पश्चात आपको नीचे एक जैसे